गॉड 24/7, मैं आपके साथ रेनू चौहान। आइए आपको दिखाते हैं बागपत से आ रही एक बड़ी खबर। बागपत के रटोल गांव में पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर महाराजुद्दीन ने बुधवार को प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने किसानों की सैकड़ों बीघा गेहूं व गन्ने की फसल जलने को लेकर मुआवजे की बात कही। उन्होंने कहा कि वह सरकार से किसानों के मुआवजे को लेकर बात करेंगे और जल्द ही किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि सन 74 में राठौल गांव में आम पट्टी घोषित हो गया था, लेकिन उद्यान विभाग द्वारा आज तक यहां पर कोई दवाइयों को कैंप लगाने तक नहीं आया। कैंप में बागान मालिकों को बागों में दवाई छिड़काव आदि की जानकारी दी जाती हैं, लेकिन आज तक यहां पर किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। मौके पर बाबू सेज, महमूद सलीक, बाबर चौहान आदि मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं प्रदीप पांचाल की एक रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और आज हम हैं बागपत के रटोल गांव में, जहां पर हम बात करेंगे लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर महाराजुद्दीन जी से। बात करेंगे किसानों की जो फसलें जली हैं उसमें मुआवजे को लेकर क्या अभी तक किसी सरकार ने उनसे बात करी है किसानों से या नहीं करी। तो इसमें हमारे जो डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर महाराजुद्दीन जी, वो किसानों के लिए आज क्या करेंगे उनके लिए जो किसानों को इसकी चीज़ का फ़ायदा होगा। बड़े खेत की बात है कि किसान जिसका एक पैसा अपने खून और पसीने की कमाई होती है, उनके खेत इस तरह से जल गए और वो लुटता गया देखते रहे सबको, और आज तक कोई प्रतिक्रिया मुआवजे की नहीं हुई है। ये अजीब यहाँ प्रशासन शासन ने किया है। क्यों आखिर किसानों को मारा जा रहा है, क्यों उनके तरफ ध्यान नहीं देता? उनकी इतने खून पसीने की कमाई एकदम से आग लगी और ख़त्म हो गई। मैं इस सिलसिले में मुख्यमंत्री को ज्ञापन दूंगा। मैं ख़ास तौर से लखनऊ जा रहा हूँ इस सिलसिले में, और मैं कहूँगा उनसे कि आप ये जो है इन लोगों को मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए। बागपत ज़िले में सैकड़ों बीघे ज़मीन जल गई, रटौल के आसपास मेरे ख्याल में 150-200 बीघे ज़मीन में हमारे बिल्कुल आग लगी है। जो ये ईंट भी है उसमें और गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल है, तो उसमें कब तक इनमें किसानों को राहत मिलेगी इसका मुआवजे को? ये तो गवर्नमेंट से हम लोग अप्रोच करेंगे जल्दी से जल्दी हो, और ये डेलीगेशन लेकर हम लोग बहुत जल्दी अधिकारियों से मिलेंगे और फिर अधिकारियों के बाद लखनऊ मिलेंगे, और लखनऊ जाकर मैं कहूँगा चीफ सेक्रेटरी से या मुख्यमंत्री से कि आप ये जल्दी से जल्दी इन लोगों का मुआवजे का निर्धारण होना चाहिए। ये बहुत बड़ी कमी हुई है और बहुत बड़ा हालात है। एक किसान जो रात और दिन खेत में रहता है, धूप में रहता है, और उसके बाद जब वो उसकी फसल पकने को आती है, किसी के यहाँ बेटी की शादी है, किसी के यहाँ कुछ काम है, किसी को कुछ है, और सारी खुशियाँ सारे कारोबार उसी पे डिपेंड करते हैं। बच्चियाँ कहते हैं कि स्कूल की फ़ीस देते हैं कि जैसी फसल कटेगी तो स्कूल की फ़ीस देंगे, हम कपड़े बनाएंगे, और उसके सारे ख्वाबों में आग लग जाती है इस तरह से, और आग लगते देखता रहता है कि लुट रहा है घर एक तरह से, और ये बहुत बुरी बात हुई है। और इसमें मुझे बेहद अफसोस है कि गवर्नमेंट ने क्यों पहल नहीं की अब तक, इन्हें तो फौरन एस्टीमेट बनवा के पैसा देना चाहिए। सर, इस मामले में क्या किसान से आप मिले हो इस चीज़ को लेकर? किसान आए थे मेरे पास, बहुत सारे बहुत आए थे, कहने लगे क्या राष्ट्रीय लोकदल ही किसानों की बात उठाता है, आप चौधरी अजीत सिंह साहब से भी कहिए और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजिए कि ये कुछ तो मुआवजा दें यहाँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दो दिन में मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह से भी बात करूँगा और कमिश्नर वगैरह से भी बात। सर, अगर हम बात करें रटोल गांव की, ये हमारा रटोल गांव आम दूर दूर तक मशहूर है, और ये सन 74 में ये आम की पट्टी घोषित भी हो चुका है, लेकिन वे हमारे यहाँ पे आज तक भी कोई भी मतलब कैंप नहीं लगा जिसमें दवाइयों के बारे में हमें किसान को बता दें, जिससे किसान लाखों का नुकसान झेलता है हर साल, तो उसमें आप क्या करेंगे? आज ये तो बहुत दुख भरी दास्तान है। कल को अगर यहाँ कॉलोनाइजर प्रॉपर्टी डीलर्स आ गए तो हम तो नहीं, मगर हमारे बच्चे जो हैं वो सब जब पैसे देखेंगे और वो बेच देंगे। इकोनॉमिकली जब वाइबल नहीं होगा बाप की फसल कुछ पैसे नहीं देगी, तो फिर यही होगा कि बाप कटने शुरू हो जाएंगे। आम पट्टी घोषित हुई थी 74 में,
और चौधरी नरेंद्र सिंह साहब उस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, बड़ी भागदौड़ हुई थी। मगर उसके बाद जो आम पट्टी का फ़ायदा किसानों को होना चाहिए, उन्हें वक्त पर ये पता लगे कि कौन सी दवा छिड़कनी है। अभी अभी आप देखेंगे तो चेपा लग गया है, और वो चेपा जो है वो एकदम से सुखा रहा है आम को, तो क्या दवा होनी चाहिए कोई नहीं होता। उद्यान अधिकारी ने एक बार भी यहाँ आकर ये नहीं पूछा किसानों से, या कोई मीटिंग ली हो कि ये आम पट्टी है, इतना मशहूर आम है, चारों तरफ दुनिया में जा रहा है आम, और उसके उसमें क्या होना चाहिए, किसानों को कोई गाइडेंस हो, किसानों को कुछ पता हो। जो अपने आप करते हैं कर लेते हैं, जो डीलर होते हैं दवा बेचने वाले वो बता देते हैं, ये छिड़क दो तो वो छिड़क देते हैं बेचारा, मगर कोई आंसू पोंछने वाला आदमी नहीं आया। तो ये इसका फ्यूचर बहुत बार डार्क होता चला जा रहा है, और मुझे तो बड़ा अंधकार दिखाई दे रहा है कि रटौल कल आने वाले उसमें तबाह हो जाएगा, और अगर इसी तरह से आग ये ख़त्म होता चला गया तो देखिए चेपा है, हॉपर है, दसियों बीमारियां बढ़ती चली जा रही है, पॉल्यूशन की वजह से हो जाती हैं, पानी कम है उसकी वजह से होती जा रही है। तो पानी और ये सब जब तक आप ध्यान, खाद का मिलावट बहुत है, खाद का बहुत बुरा हाल है, तो गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है जो खाद को कंट्रोल करे, कुछ भी नहीं है यहाँ, एक एजेंसी तक तो गवर्नमेंट नहीं खोली। अच्छा, आम बाहर जाता है तो उसका पैकेजिंग की ट्रेनिंग होती है, ग्रेडिंग की ट्रेनिंग होती है, और उसे डिप किया जाता है एक दवा में ताकि वो पानी के जहाज से जाए या हवाई जहाज से जाए, वो सब हो जाता है। आज कितने अफसोस की बात है कि रटौल, अनवर रटौल नाम का वैरायटी, उससे करोड़ों रुपया पाकिस्तान कमा रहा है, आम हमारा, नाम हमारा, पौधा यहाँ से गया, उस वक्त पंजाब में गया था, और पंजाब उधर चला गया, और आज पंजाब में वहाँ ग्रो कर गया, वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, अब वो वहाँ से सारा गल्फ को फीड कर रहा है, पूरा UAE जा रहा है, पूरा यूरोप जा रहा है, वो अरबों रुपये कमा रहे हैं, हम बैठे हुए हैं। सर, ऐसा भी सुना हमने कि हमारे रटौल गांव में नई नई वैरायटी के आम की भी पौध वगैरह भी लगाई जाती हैं, जिससे कि नई नई वैरायटी उगाई जाती हैं, क्या ऐसा है सच्चाई? बहुत रिसर्च हुई है यहाँ से ज़्यादा, मगर मैंने कहा ना आपको कि आगे क्या होगा, आगे तो ये ख़त्म हो जाएगा अगर ये इस तरह, या तो इन्हें इंस्टीट्यूट खोल देना चाहिए था, वो मैंगो इंस्टीट्यूट जो इन्होंने रहमान खेड़ा लखनऊ में खोला है, बाराबंकी डाले मलियाबाद में, ये इस तरह के इंस्टीट्यूट यहाँ खोलने चाहिए ताकि आदमी को बता सकें कि ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, और आम पर रिसर्च की ज़रूरत है। और यहाँ के लोग बुज़ुर्ग जो हुए हैं, शेख मोहम्मद आफाक साहब थे, हाजी बदरुद्दीन साहब थे, इन लोगों ने तो दो तीन चीज़ें ऐसी चलाईं जो पूरी दुनिया में चल रही हैं, मतलब आम पट्टी एक प्लास्टिक की पट्टी वो पेड़ के तने पे लगा देते हैं ताकि हॉपर ऊपर चढ़े तो गिर जाए, और उसके दोनों तरफ गोबर लगा देते हैं। तो ये पट्टी इतनी प्रचलित हुई कि बिहार, बंगाल सब जगह ये चल रहा है। आज हमने बात करी है आम की पट्टी को लेकर, और दूसरा हमारे किसानों के मुआवजे को लेकर, अब देखते हैं कब तक हम किसानों को इस चीज़ की हेल्प मिलती है जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके। मैं प्रदीप पांचाल बागपत से। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।